नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ मिश्रा आप सभी लोगों का अपने चैनल एजुकेशन प्लान पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज एक छोटी सी चीज़ जानते हैं, बेसिक मेजर्स ऑफ स्टैंडर्ड टेंडेंसी, कि अगर हमें ये स्कोर्स गिवन है तो हम कंपेयर करते हुए कि मीन कैसे निकालेंगे, मीडियन कैसे निकालेंगे, मोड कैसे निकालेंगे। तो आज हम बात करते हैं कि हमारा कंटिन्यूस सीरीज़ के स्कोर्स गिवन है उस पर प्रैक्टिस करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्रीट सीरीज़ एंड उसके बाद के वीडियोस में हम आपसे ग्रुप डेटा के मीन मीडियन मोड का डिस्कशन करेंगे। एक साथ मीन मीडियन मोड निकालने का मेन रीज़न ये है कि दोनों में, तीनों में कंपेयर आप कर सकें कि किसकी वैल्यू क्या आती है और तीनों में क्या चेंजेस होते हैं, तो ये समझने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। इसीलिए इन सबको एक साथ हम कंपेयर करते हुए आपको बताते हैं। लास्ट वीडियो में हमने आपको स्टेप डेविएशन मेथड के बारे में, मीन के स्टेप डेविएशन मेथड के बारे में बताया था, लेकिन तीनों में कंपेयर करने के लिए शुरुआत हम कंटिन्यूस सीरीज से करते हैं। सिंपल स्कोर हमारे पास गिवन है, इसको हम देखते हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें बीच में अगर कोई चीज़ मिस हो जाएगी तो आगे की चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लास्ट तक इसको देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें और दोस्तों को शेयर करें। अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। आपको पता है कि मीन का फार्मूला क्या होता है, इसको हम डिनोट करते हैं एक्स बार से। एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। ये एक्स क्या है, हमने इस स्कोर को एक्स ले रखा है, ठीक है। ये जो सिग्मा होता है, सिग्मा का मतलब होता है सम ऑफ स्कोर्स, सम ऑफ नंबर्स कह सकते हैं, सम ऑफ स्कोर कह सकते हैं, और एन का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ आइटम। तो यहाँ पर जितना भी स्कोर हमको गिवन है हम इन सब का टोटल करेंगे और नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड करेंगे। इसका हम टोटल करते हैं तो ये आता है 139, और n हम काउंट कर लेंगे ये कितने नंबर्स लिखे हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये हमारा 15 आ गया। अब आप क्या करेंगे, 139 को 15 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने पर 15 9 135 होता है, 4 रिमाइंडर आ रहा है, डेसिमल लगा देंगे और उधर 40 हो जाएगा, 15 2 30, फिर 10 होगा, 0 आगे ले लेंगे, 100 हो जाएगा, 15 6 ज़ा, और ये कंटिन्यू रहता है। तो इसको राउंड फिगर में हम 9.27 लिख लेंगे, जो कि मेरा मीन आ गया है, ठीक है। तो मीन निकालने के लिए सिंपल सा है कि हम स्कोर को टोटल कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर देंगे। मीडियन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, मीडियन में हमें ठीक मिड वैल्यू चाहिए होती है। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब ये होता है कि ऐसा स्कोर जो बाकी के सारे स्कोर को बैलेंस कर सके, मींस अप्रॉक्स मिड की वैल्यू। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन इसकी पूरी निकालते हैं मिड वैल्यू निकालने के लिए, लेकिन वहाँ पर हम अप्रॉक्स में डायरेक्ट मिड में पहुँच जाते हैं कि मिड की वैल्यू क्या होगी। जैसे यहाँ पर आपको असेंडिंग ऑर्डर में दिया है, अगर कोई भी स्कोर हमको सिंपल गिवन है, अगर असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है तो आप उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में ज़रूर लगाएंगे, क्योंकि तभी हम ठीक मिड वैल्यू पर पहुँच जाएंगे। अब जैसे बहुत सारे वैल्यूज़ गिवन होती है तो हम डायरेक्ट मिड वैल्यू ढूंढने में हमें दिक्कत आएगी, कहाँ कौन सा है, काउंट करना पड़ेगा, टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। तो इसके लिए मीडियन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फार्मूले का यूज़ करते हैं, जो होता है एन प्लस वन अपॉन टूथ वैल्यू, ठीक है। अब n क्या है, टोटल नंबर ऑफ आइटम है, जो कि आपको पता था n कितना हमने रखा था, 15 रखा था, तो यहाँ पर हम n की वैल्यू 15 रख लेंगे, ठीक है। 15 प्लस 1 डिवाइडेड बाय टूथ वैल्यू। अब 15 प्लस 1 कितना हुआ, 16 डिवाइडेड बाय टूथ वैल्यू, 2 1 2, 2 8 16, मीन्स ये आ गया आपका
एर्थ वैल्यू। अब आप यहां पर देखेंगे कि एर्थ वैल्यू कौन सी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, जो कि आपका ये 10 आ रहा है। ठीक है, अब यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसकी सबसे ज़्यादा आलोचना इस वजह से हुई मीडियन की, क्योंकि इसमें एक्यूरेसी बहुत कम है कि अगर हम यहाँ पर स्कोर्स चेंज कर दें, पीछे आगे कुछ भी कर दें, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर नंबर ऑफ आइटम सेम है, हम स्कोर चेंज कर रहे हैं, लेकिन इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इससे इसकी एक्यूरेसी में कमी आ जाती है। मीन में क्या होता है कि अगर हम कोई भी स्कोर चेंज कर रहे हैं तो इसके आंसर्स में फ़र्क पड़ जाएगा। तो इसकी आलोचना को देखते हुए इसके अपोजिशन में मोड को लाया गया। मोड क्योंकि जब मीडियन में हमने देखा कि जब ये काम कर सकते हैं, छोटा सा काम करके मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी की गणना हम कर सकते हैं, तो मोड तो और आसान हो जाएगा। तो मोड के लिए बोला गया कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो, मींस अगर कोई भी स्कोर सबसे ज़्यादा बार रिपीट किया जा रहा है, तो बाकी स्कोर को छोड़कर हम उस वैल्यू को रख लेंगे। जैसे यहाँ पर आपने देखा कि 6 2 times रिपीट हुआ है, ठीक है, और 10 हमारा 3 times रिपीट हुआ है, तो यहाँ पर हम चुपचाप कुछ नहीं करेंगे, मोड की वैल्यू 10 रख देंगे। जो भी नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट किया जाएगा वो हमारा मोड होगा। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जिसकी ज़्यादा होगी वो हमारा मोड होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा था सिंपल स्कोर, जिसको हम कंटिन्यूअस सीरीज़ बोलते हैं। कंटिन्यूअस सीरीज़ में मीन, मीडियन एंड मोड आपने निकालना सीख लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्क्रीट का एग्जांपल लेंगे, उस डिस्क्रीट में हम मीन, मीडियन एंड मोड और उसके बाद ग्रुप डेटा लेंगे, जहां पर हमारा क्लास इंटरवल होता है। क्लास इंटरवल में हम मीन कैसे निकालते हैं, मीडियन कैसे निकालते हैं, मोड कैसे निकालते हैं, उसका डिस्कशन करेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल एजुकेशन प्लांट में, और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करते रहिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर इंस्टा का लिंक पड़ा हुआ है, उसको वहाँ पर आप हमें फॉलो करके आप हमारे साथ चैटिंग कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं और बहुत सारी बातें कर सकते हैं। अभी इसी कंटिन्यूअस सीरीज में आपको शॉर्टकट मेथड बताएंगे, और डायरेक्ट और शॉर्टकट मेथड में मीन निकालने के लिए क्या अंतर होता है ये भी डिस्कस करेंगे, कि जिससे किसी भी प्रकार की आपकी कंफ्यूजन दूर होगी। टॉपिक खत्म होते ही हम ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्टली कैसे ऑप्शन पर पहुंच सकते हैं वो बताएंगे, लेकिन पहले बेसिक बताना बहुत ज़रूरी है, इसलिए पहले टॉपिक को कवर करेंगे और उसके बाद आएंगे कि डायरेक्टली हम आंसर पर कैसे पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों तैयार रहिए आगे की वीडियोस के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट।